हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 मार्केट। यहाँ पर मैं पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूँगी। मार्केट जो है, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो 6 चैप्टर है मार्केट, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैं आपको जो आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। मार्केट एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर परचेज और सेल्स होते हैं कमोडिटीज़ और सर्विसेज के, उस प्लेस को मार्केट कहते हैं। मार्केट ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जो आपके नेबर में जहाँ पर मार्केट जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस रखता हो सिर्फ वही मार्केट होता है, बिकॉज मार्केट ऑनलाइन बेसिस पे भी अब अवेलेबल है। पूरा मार्केट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, टेली शॉपिंग्स पे मिल जाएगा, वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। तो मार्केट का सिर्फ यही मतलब होता है कि जहाँ पर परचेज और सेल्स होती है कमोडिटीज़ और सर्विसेज की। यहाँ पर मीनिंग भी गिवन है, ये डेफिनेशन है, आप चाहें तो टिक कर सकते हैं। मार्केट इज़ द फंक्शनल सिस्टम वेयर द बायर्स एंड सेलर्स कॉन्टैक्ट ईच अदर टू डिसाइड द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस। पहले डिसाइड होता है गुड्स और सर्विस किस यहाँ पर किस प्राइस में डिसाइड होता है, प्राइस क्या रखनी है गुड्स की और सर्विसेज की, उसके बाद ही यहाँ पर उनका एक्सचेंज होता है। अब मार्केट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पर न्यूमरस सेलर्स और बायर्स होते हैं। मार्केट का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे सेलर्स और बायर्स एक साथ वहाँ पर आ जाते हैं, उसे मार्केट कहा जाता है। मार्केट में कोई एक सेलर या एक बायर नहीं होता, न्यूमरस मीन्स अनलिमिटेड यहाँ पर सेलर्स और बायर्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स यानी प्रोडक्ट्स जिस पे वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं प्रोड्यूसर्स, और सर्विसेज जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिले, वैसी सर्विसेज आपको मार्केट में मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मोबाइल रिपेयर करवाना है तो आप मोबाइल रिपेयर करवाएंगे किसी शॉप से मार्केट में, तो वो आपको सर्विस रेंडर कर रहे हैं, जो शॉपकीपर्स हैं वो आपको सर्विस दे रहे हैं और उसके एक्सचेंज में वो आपसे जो अमाउंट है वो रिसीव करेंगे। तो इस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज जो है वो मार्केट में होता है। और उसके बाद यहाँ पर और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट, अब डायरेक्ट बायर्स और सेलर्स कॉन्टैक्ट में आते हैं, वैसे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं जो बायर्स होते हैं थ्रू टेली शॉपिंग एंड ऑनलाइन शॉपिंग्स। ऑनलाइन शॉपिंग पे और टेली शॉपिंग पे आपने देखा होगा जो कॉन्टैक्ट होता है कंज्यूमर्स का, वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स और उनकी डायरेक्ट कंपनी से हो सकता है। अगर आप जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस वाला मार्केट होता है उसमें जाएंगे तो उसमें रिटेलर्स होते हैं जो अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स आप तक पहुंचाते हैं, जो रखते हैं शॉप्स में अपनी, तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में प्रोड्यूसर्स के नहीं आते। बट ऑनलाइन शॉपिंग और टेली शॉपिंग में तो टेलीफोन से ऑर्डर कर सकते हैं डायरेक्ट जो कंपनी होती है प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको, और ऑनलाइन शॉपिंग में उनकी कंप्लीट वेबसाइट आपके सामने आ जाती है। डायरेक्ट प्रोड्यूसर से आप मेल कर सकते हैं उनको, उनके साथ चैट कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जान सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं सारी। तो इस तरह से कॉन्टैक्ट का जो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्टैक्ट की, वो यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। उसके बाद प्राइस भी जो फैक्टर्स रिलेटेड होते हैं डिमांड और सप्लाई, उन्हीं पे प्राइस जो है वो डिसाइड की जाती है। अगर आपने चैप्टर नंबर 3 डिमांड और 4 सप्लाई अगर पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि प्राइस जो है वो डिफाइन की जाती है थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, सप्लाई कैसी हो रही है, प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, इसी पे से प्रोड्यूसर्स जो हैं वो प्राइस अपनी डिसाइड करते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और है इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट सिचुएशन, अभी मार्केट में करंट सिचुएशन क्या चल रही है वो भी एक प्रोड्यूसर्स बायर्स और सेलर्स को पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पे परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ये सब फैक्टर्स यहाँ पर अफेक्ट करते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, मार्केट का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है, तो लोकेशन के बेसिस पे, क्वांटिटी के बेसिस पे मार्केट का यहाँ पर जो है वो क्लासिफिकेशन किया जाता है। मार्केट को क्लासिफाई किया गया है अलग अलग, यहाँ पर सीक्वेंस में आप देख सकते हैं पूरा। अब फर्स्ट है मार्केट बेस्ड ऑन लोकेशन, अब मार्केट को आप एक अगर नेम दे दें तो लोकेशन पे से लोकल मार्केट्स, रीजनल मार्केट्स, नेशनल मार्केट्स और इंटरनेशनल
मार्केट्स होते हैं। अगर लोकेशन वाइज देखने जाएं तो लोकल मार्केट्स जो होते हैं उसमें ऐसे प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेल किए जाते हैं जो सिर्फ उसी एरिया तक लिमिटेड होते हैं, जैसे कि रिस्पेक्टिवली विलेज में क्ले यूटेंसिल्स, मिट्टी के बने यूटेंसिल्स होते हैं, वो सारे जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं वो लोकल मार्केट तक ही रह जाते हैं। वैसे प्रोडक्ट्स आपको उसी जगह पे बनते हुए और वहीं पे सोल्ड आउट होते हुए दिखेंगे। उसके बाद आते हैं रीजनल मार्केट्स, ये लोकेशन पे बेस करता है, इसलिए रीजनल मार्केट्स जो होते हैं जैसे गारी ऑफ सूरत जो है, फिर रीजनल फिल्म्स, रीजनल जो बुक्स है वो आसपास की सिटीज़ में मिल जाएगी। तो रीजनल मार्केट जो होते हैं वो विद इन द स्टेट आपको वैसे सारे प्रोडक्ट्स अच्छे से देखने मिल सकते हैं और आप परचेज और सेल कर सकते हैं विद इन द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। उसके बाद नेशनल मार्केट ऐसे प्रोडक्ट्स का मार्केट होता है जो प्रोडक्ट थ्रू आउट द नेशन, पूरे नेशन में उसकी सेलिंग होती है, वो परचेज किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, अमूल जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो थ्रू आउट आर नेशन, थ्रू आउट इंडिया में सब जगह पे ये प्रोवाइडेड मिल जाते हैं आपको। और लास्ट जो है फोर्थ, वो इंटरनेशनल मार्केट होता है। इंटरनेशनल मार्केट मींस जो इम्पोर्ट क्वालिटी और एक्सपोर्ट क्वालिटी के गुड्स आपको इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर इंडिया में मिल सकते हैं और इंडिया के प्रोडक्ट्स आपको इंटरनेशनल बाकी सारी कंट्रीज़ में भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंडिया में मोबाइल फ़ोन्स जो है इंपोर्ट किए जाते हैं, इंग्लिश नॉवेल्स आती है और वो पूरे इंडिया में फिर आपको मिलती है, तो ये सारे इंटरनेशनल मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है डिपेंडेंट ऑन देयर लोकेशन, बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, लोकेशन के बेस पर, और उन अलग अलग प्रोडक्ट्स को यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद मार्केट बेस्ड ऑन क्वांटिटी, अब क्वांटिटी पे कैसे मार्केट बेस्ड रहता है और हम उसे कैसे कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट है होलसेल मार्केट और सेकेंड होता है रिटेल मार्केट। होलसेल का मतलब आपको पता होगा, डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उन्हीं से लिया जाता है पूरा प्रोडक्ट, बहुत सारा स्टॉक एक साथ में लेते हैं और उसके बाद वो अलग अलग जगह पे देते हैं। तो होलसेल मार्केट बल्क में आपको वहाँ पर मिल जाते हैं प्रोडक्ट्स, और रिटेल मार्केट जहाँ पर आप वन पीस ऑफ प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं और वो वन पीस ऑफ प्रोडक्ट्स, टू पीस ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड आउट करते हैं, वो रिटेलर्स होते हैं जो रिटेल मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं। और इनकी लोकेशन भी अलग अलग प्लेसेस पे होती है, होलसेल मार्केट की लोकेशन थोड़ी दूर रहती है और एक बहुत कम होलसेल मार्केट्स देखने को मिलते हैं आपको एक सिटी में, ऐसे 3 to 4 होलसेल मार्केट्स होते हैं। बट रिटेल मार्केट्स आपको थोड़े थोड़े डिस्टेंस में एक ही सिटी में बहुत सारे देखने मिल जाते हैं। तो होलसेल मार्केट की यहाँ पर डेफिनेशन गिवन है, द सेल्स एंड परचेज ऑफ आइटम्स इज डन ऑन लार्ज स्केल, द होलसेल ट्रेडर्स बाय द होलसेल गुड्स फ्रॉम मार्केट एंड सेल इट इनटू रिटेल ट्रेडर्स, दिस वे द रिटेल ट्रेडर्स बिकम बायर्स वाइल होलसेल ट्रेडर्स आर एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन बायर्स एंड प्रोड्यूसर्स, फॉर एग्जाम्पल होलसेल ग्रेन मार्केट्स जो होते हैं, इस तरह से जो रिटेलर होते हैं वो यहाँ पर बायर बन जाते हैं होलसेलर के, और होलसेल मार्केट में जो होलसेलर्स होते हैं वो बल्क में प्रोडक्ट्स जो है वो सोल्ड करते हैं, थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स यूनिट्स वो सोल्ड नहीं करते। उसके बाद रिटेल मार्केट, द सेल एंड परचेज आर एट सेम स्केल, रिटेल मार्केट में सेल्स और परचेज सेम स्केल पे चलते रहते हैं, एक स्टॉक वो लेंगे वो सारे के सारे सोल्ड आउट हो जाएंगे, उसी के बाद वो नया स्टॉक ले लेते हैं, परचेज करते हैं, तो सेम स्केल चलती रहती है। और ये एक लिंक होते हैं यहाँ पर कंज्यूमर के लिए जो प्रोवाइड करके देते हैं, बहुत उनके नेबरहुड में ही होते हैं कंज्यूमर्स, जहाँ जहाँ भी रहते हैं हर एक उनके आसपास सोसाइटीज़ और आसपास ही ये शॉप्स आपको देखने को मिल जाती है रिटेल मार्केट की, जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज की जाती है कस्टमर्स, और उनको स्मॉलर स्केल में डिमांड और जैसे उनकी नीड होती है उनके अकॉर्डिंग उनको उन तक प्रोडक्ट्स पहुँचाए जाते हैं। यहाँ तक मैंने आपको मार्केट का पूरा इंट्रोडक्शन दिया, मार्केट्स कैसे होते हैं और किन पे बेस्ड होते हैं, किन फैक्टर्स पे यहाँ पर मार्केट को क्लासिफाई किया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो अपलोड करूँगी उसमें मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी जो
क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स है, वो परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, ओलिगोपोली क्या होता है, मार्केट जो कंपटीशन पे बेस्ड है उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आगे का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा अगर ये चैप्टर मैंने पूरा का पूरा इसी वीडियो में एक्सप्लेन किया तो, और आप भी कंफ्यूज होने लगेंगे। इसलिए आपका लास्ट ये जो इस वीडियो में आपने पूरा कंसेप्ट समझा है वो याद रखना, और हम जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स ऑन कंपटीशन हम सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है माय नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।